हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स के बारे में। अगर आप देखेंगे तो कल लगभग 15% ये जो स्टॉक है 15-20% ग्रो हुआ था। 84.70 के ऊपर ये क्लोजिंग थी एनएसई के ऊपर, और इसका जो लो था 65.30 का था। तो काफ़ी मीन्स ये स्टॉक ने वॉलीटिलिटी दिखाई है और काफ़ी नीचे गया है बायबैक कैंसिल होने के बाद भी। लेकिन अभी भी राहत की बात तो नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक 100 के अंदर ही चल रहा है। काफ़ी लोगों का 200 के ऊपर भी बाइंग है, तो जब तक ये 200 तक नहीं जाता है तो राहत मिलने वाली कम ही है। लेकिन इसके अंदर डिलीवरीज अगर आप देखेंगे तो 6.44% है, और बीएसई के ऊपर भी लगभग 5-7% के करीब ही है। तो डिलीवरी ज़्यादा नहीं है, ये लगभग F&O में ट्रेड ज़्यादा हुआ है और एक्सपायरी भी नज़दीक है। तो शायद उसी के कारण जो है एक्सपायरी के वजह से शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में आई है, जिन लोगों ने सेल कर रखे हैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये सारे जो सेलिंग में थे वो परचेस में आ गए और अब ये अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। तो अगर आप ऑप्शन का भी अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 50 रुपये के ऊपर सबसे ज़्यादा पुट्स हैं, अभी भी 16,60,000। 80 रुपये के ऊपर 5,62,000 है। 100 रुपये के ऊपर 3,27,000 है, और 40 रुपये पर भी है 5,43,000। 20 रुपये पर भी है 4,62,000, और 100 रुपये के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आए हैं, 1,14,000 का चेंजेस है। और अगर आप कॉल्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कॉल्स है वो 80 रुपये के ऊपर है, जो कि टारगेट उनका आया है 12,30,000 के करीब है। 19,51,000 के करीब 100 रुपये के ऊपर है। फिर सबसे ज़्यादा जो कॉल्स है वो 150 के करीब है। तो अगर ऊपर भी आता है धीरे धीरे ये स्टॉक, तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 150 ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल आज की तारीख में अगर बाउंस बैक करता है तो ये लेवल तक आ सकता है। लेकिन काफ़ी मीन्स टाइम लग सकता है इसको भी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट ज़्यादा लोगों ने कर रखे हैं। तो अगर बाइंग ज़्यादा आती है, डिलीवरीज बढ़ जाती हैं और ये जो पुट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं ऊपर के लेवल पे 20 रुपये 40 रुपये 50 रुपये, तो ये स्टॉक रिकवर करना चालू कर सकता है। लेकिन ज़रा इसे टाइम लग सकता है। फिलहाल अगर ये ऊपर भी और आया तो 100-120 के करीब आ सकता है। और अगर आप इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बाइंग सबसे ज़्यादा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर है, सेल कम है क्योंकि एक्सपायरी है। जिन्होंने शॉर्ट कर रखे हैं उन्हें बाय तो करना ही पड़ेगा। और ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 83,49,000 के करीब है, 5.45% का चेंजेस है। तो ये एक बात है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है और प्राइस बढ़ता है तो ये एक ही चीज़ इंडिकेट करती है, शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट जिन्होंने किया है ये शॉर्ट कवरिंग के वजह से ऊपर आया है। एक दो दिन और ऊपर आ सकता है क्योंकि एक्सपायरी है। जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखे हैं वो सेल बाय करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाएंगे और आगे से फिजिकल डिलीवरीज होने वाली है इन FNO के स्टॉक्स में। तो यही है, अगर कोई भी मौका मिलता है ऊपर के लेवल में तो फिलहाल सलाह यही है कि धीरे धीरे करके निकलना ही सही रहेगा और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। 200 का भी लेवल आ सकता है, भरोसा नहीं, लेकिन कब आएगा उसका भरोसा नहीं, टाइम भी लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऊपर के लेवल पे अगर मान लीजिए 140-150 पे आता है, आप निकलते हो, फिर नीचे आता है 100-110, तो उस टाइम फिर से ले सकते हो। मीन्स 40-40 पॉइंट ले लेकर 20-20 पॉइंट 30-30 पॉइंट ले लेकर अपना जो कॉस्ट है वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक ही जगह पे रुककर ऐसा कवर होने वाला नहीं है। तो ऊपर के लेवल पर सेल कर दीजिए और फिर से नीचे अगर आता है फिर ले लीजिए, ताकि जो आपका जो ऊपर का कॉस्ट है वो कट होते रहे और जो लॉस है वो रिकवर हो जाए। तो यही एक सलाह है, बाकी आप भी अपना रिसर्च ज़रूर करिए। जो डिटेल्स यहाँ पे थी वो मैंने बताई।
आज के लिए इतना ही बताना था, चलिए थैंक यू।